जी मैं रोशनताला कॉलोनी में रहती है, मेरा घर है क्या बोलते बोलते बताइए। ये। यहाँ पर एक औरत आके क्या की, पहले गाड़ के गए इधर साइड, यहाँ हाँ पर बोलो अंडे ना। थे क्या थे नहीं मालूम। फिर हम लोग पुलिस वालों को कंप्लेन करे, ये पीएस रनसेनबाग पीएस में। पुलिस वाले कुछ भी रिएक्शन नहीं ले ना, वो करते बोल के बोरे। 7 तारीख 7 तारीख के दिन हमारे घर के सामने कैमरे है, हमारे देवर आके देखे भी है चीजों को क्या है। सो देखे तो कुड़िया यो बने हुए है, तावीजा ये दले हुए है, ये यहाँ पर नीचे देखो कंप्लेन खोद के डाले, फिर दो पैसे देके। पुलिस वाले ठहरे, पुलिस वाले भी कंप्लेन नहीं कर रहे, कंप्लेन नहीं लिखते बोल के बोल आगे रहे। गए पुलिस वाले आप तो। ब्लैक मैजिक किसको क्या मिलता होगा, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और जईफ भी है, हमारे सास की तबीयत भी खराब हो गई देखने से। कैमरे लगे यहाँ हुए थे ससुरे भी सब। बैठे हुए देखो, सुबह के टाइम पे है, सब अपने हाँ अपने बताइए कामों आप, में रहते हैं, हमको नहीं मालूम है ना क्या करते हाँ बोल के। बताइए नहीं आप। नहीं नहीं लेडीज को नहीं जानते, उन्होंने फोन पे पहले बात करे, बात करने के बाद कोई फोन पे बोल रहे, हमको ट्रैक होना उसका कौन क्या बात कर रहे क्या नहीं। हमारे घर का एड्रेस दिए, बात करने के बाद उन्होंने ये जगह पे बताए, ये यहाँ पर गाड़ दिए क्या है कि नहीं मालूम। उसमें शहद था, उसके अंदर एक तावीज डली हुई थी, चार पुड़िया डले हुए थे। वहाँ पीएस वालों को बुला के लाए तो हम हाथ भी नहीं लगाते, देखो ये बोल के बोरे, हमारे छोटे छोटे बच्चे है बोले तो। मैं बोली कंप्लेन लिखो, बोले तो नहीं नहीं लिखते बोल के बोरे। पुलिस वाले आगे गए आपका नया जी हाँ कंप्लेंट नहीं लिया कंप्लेन मतलब नहीं लिखते बोल के कंचनबाग बोरे, पुलिस कंचनबाग स्टेशन। पुलिस स्टेशन। जी नहीं नहीं पहचानते तो नहीं, कोई भी अरे वीडियो छोटी में बच्ची लेंगे भी है 10 साल की होती, देख लिए कर लिए चले गए। ये नहीं शक पे शक कैसा बोल सकते, नहीं बोल किसी सकते, का भी मगर आप फोन पे हमको ट्रैक होना, ये एरिया में कौन है क्या नहीं, जो भी कहाँ से औरत है को क्या है वीडियो कि में नहीं। देखे पहचाने तो पुलिस को हाँ बोल सकते हैं। पुलिस वाले इनको बोले तो अच्छा रहता, पुलिस वाले थोड़ी हेल्प कर दिया तो अच्छा रहते। कमिश्नर साहब, कमिश्नर डीसीपी साहब, सीपी साहब, कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, सही अकबरुद्दीन भाई। वसीम, जो भी है भाई हमारी थोड़ी मदद कर दो। ये चीजों में हम ना जाते नहीं करते नहीं, घर में छोटे बच्चे हैं, ईमान खराब करने के है। इससे पहले भी हमारे जेठ हमारे शोहर के ऊपर अटैक करे, उस पर भी कुछ भी रिएक्शन नहीं करे उन्होंने। आपके घर में जेंट्स कोई भी नहीं रहते? ठीक नहीं हमारे देवर रहते एक, वो भी है काम पे चल जाते, नहीं रहते कोई भी। वो कैमरा क्या कैसे रू मालूम पड़ा हमारे को ये चीज गाड़ के गए क्या है, सो कहीं को दुश्मनी क्या है, मुसलमान हो कैसे हरकत करे, तो कितनी बुरी बात है। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, बस बस मेरे को वो फोन का ट्रैक होना और कुछ भी नहीं। आज? रोशन दौला कॉलोनी है, ये कॉलोनी है बालापुर, पानी की टैंकी गने है ये, कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट में आता। आज से 7 तारीख के दिन यहाँ पे एक लेडीज और 10 साल की मासूम बच्ची को लेके एक बुरखे में लेडीज आकर यहाँ पे जादूगरगन से जो भी था शहद तावीज वगैरह यहाँ पे ये बिचारों के घर के सामने गाड़ दिए। मसला क्या है, इनके घर में इनकी बहू रहती, सास ससुरे रहते, जेंट्स कोई भी नहीं रहते। एक जने सुबह गए तो शाम में आते, इनके बेटे बाहर रहते सऊदी में, दुबई में कहीं रहते। तो इन लोगों को टारगेट बना के जादूगरों ने जाके ये गलीस सिपली इलम करके इन लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं। तो इन लोगों की तबीयत पहले से ख़राब है, इसके पीछे कौन है क्या है दुश्मनी नहीं मालूम। मगर मैं पुलिस से कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पुलिस भी आगे गई कहते, मगर उसके बावजूद भी FIR नहीं करी। ये CCTV कैमरों में आए बात भी कैमरों के थ्रू नहीं ढूंढी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सारी आवाम को, देखने वाले CCTV कैमरे में एक बच्ची दिख रही है, एक औरत दिख रही, आप लोग कोई भी पहचान सकते। अगर आपकी पड़ोसी है या रिश्तेदार में हो या गली की हो कहीं की भी हो तो कंचनबाग पुलिस स्टेशन को इसकी इत्तला दियो, उन लोगों को पकड़ेंगे। ये जादूगरा लोगों के जिंदगियां तबाह कर दे रहे हैं, किसी को नजर बंद कर देते तो किसी को घुल घुल के मरने की जादू करते, गलीज जादू करते, लोग खाने में डाल देते, पानी में डालने के पड़के देते, हड्डियां जलाते लेके जाके मसान गट्टियों में। ये ओल्ड सिटी के अंदर ये जादूगरों का ये किस्सा, सत्यनारायणा DCP साहब थे जब बन करे थे, फिर से ये जादूगरों का किस्सा चालू हो रहा। तो मैं CP कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाह रहा हूँ, और संतोष नगर DCP, संतोष नगर ACP साहब से, कंचनबाग सर्कल साहब से, इन लोगों का कंप्लेंट घर पे आके लेना चाहिए, क्योंकि इनको चलने नहीं आता और इनके वाइफ को भी चलने नहीं आता, या इन लोगों को पूछने वाले कोई भी नहीं है। और मेरी और एक गुजारिश है, खास करके जो भी जादूगर अगर कहीं भी कर रहा आप लोगों की इसकी इत्तला है तो पुलिस को इत्तला करिए या मीडिया को इत्तला करिए। ऐसे जादूगरों को छोड़ना नहीं, पब्लिक में लाके मारना है इन लोगों को, ऐसा लंगे करके हार पहना के लेके जाना चप्पलों का इन लोगों का, क्योंकि इन लोग किसी की बीवी बीवी का जादू कर दे रहे हैं, मर्द की जादू, मर्द के ऊपर बीवी जादू, अम्मा के ऊपर, सास के ऊपर, भाइयों के ऊपर, ये कर रहे हैं।
क्या बोलते सो अपने दूसरी चीज मैं फिर एक बार खाने में इसमें उसमें मिला के दे दे रही है। जादूगरों का किस्सा खत्म होना और ये और एक चैनल में चर्रा के कोई दूसरे चैनलों में चर्रा के कंचनबाग लिमिट में पुलिस स्टेशन में जादूगर को पकड़ के ला लिए बोल के गलत इन्फॉर्मेशन है। किसी जादूगर को अभी नहीं पकड़े, कंप्लेंट ही नहीं लिए पुलिस वाले, तो जादूगर को लाते कहाँ से पकड़ के। तो जो भी मीडिया वाले चला रहे हैं, चाहे वो तेलुगु रहें दो, इंग्लिश रहें दो, चाहे छोटी मीडिया बड़ी मीडिया सैटेलाइट चैनल कोई भी, सोच समझ के तहकीक करके न्यूज़ चलाइए। इनका घर बालापुर पानी की टंकी कने, आइए इनसे मिलिए, पूछिए कंप्लेंट पुलिस ने ली अब तक। मैं कंचनबाग सीआई को कहना चाह रहा हूँ कि आना इनकने आगे कंप्लेंट लेके इनका काम करना। जो भी हैदराबाद तेलंगाना के अंदर जादूगर आए उनको ये हैदराबाद से भगाना। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।